अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ईयर व्लॉग। हैप्पी न्यू ईयर आप सबको बहुत ज़्यादा। और अभी हम न्यू ईयर मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी हालत पे गौर ना करें, मैं बहुत थकी हुई हूँ। तो अभी जो है ना, मैं किचन में काम कर रही थी, कुछ प्रिपरेशंस करनी है, न्यू ईयर हमने मनाना है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उसके लिए कुछ मैं तैयारी वगैरह कर रही थी। तो मैंने कहा चले आप लोगों को व्लॉग शेयर करती हूँ मैं। अभी की सूरत हाल ये है, ये रयान मिस्टर को अभी मैंने ला के लाई थी, तो ये अब दूध पी रहा है, इसको नींद आ रही है, थोड़ी सी गनूदगी हो रही है। हम लोग रहने के लिए जा रहे हैं, तो उर्वर रयान के कुछ कपड़े रखे हैं सूटकेस में, इसके अलावा ये कुछ सामान रखा है, वो मैंने ना नान बनाने के लिए आटा गूंदा है तो वो पैक है, बाकी रयान के लिए दूध, उर्वा के लिए दूध और ये सारी चीज़ें, अनगिनत डाइपर्स। वहाँ पे उर्वा क्लास लेते लेते ना सो गई है, तो इसको अभी जगाया ही नहीं है, बाकी सारी तैयारी करके ना फिर उसको जगाना है। और ये हमने न्यू प्रिंट करवाई थी तस्वीरें रयान के न्यू बॉर्न फोटोशूट के साथ, फैमिली पिक्चर्स ली थी तो मैंने ये प्रिंट करवाई हैं, माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही हैं। और आज लॉन्ड्री की थी तो बाहर, क्योंकि इतनी नमी हो जाती है ना सर्दी की वजह से, तो फिर खुश करने के लिए भी अंदर रखे हुए हैं। मैंने केक्स वगैरह बनाए थे, टी केक, और ये मैंने इसमें पैक करके रखे हैं, और ये मैंने बनाया था ब्लूबेरी केक, तो केक्स वगैरह बना लिए। हाँ, इसके अलावा मैंने शामी कबाब बना के रखे हैं और वो मैंने फ्रीज़ करने के लिए रख दिए, इनको देख लेते हैं कि फ्रीज़ हुए हैं कि नहीं हुए। ये लग रहे हैं कि फ्रीज़ हो गए हैं, इनको भी पैक करते हैं और फिर मैं तैयारी करती हूँ, ज़रा अच्छी शक्ल में आती हूँ, अभी तो बोला भी नहीं जा रहा। मैंने कबाब्स पैक कर लिए हैं, बाहर एक्चुअली फ्रीजिंग वाली ठंड है, तो आई होप फ्रीज्ड ही रहेंगे जब तक हम अपने फ्रेंड्स के घर पहुँचेंगे। और ये मेरा हुलिया बना हुआ है इस वक्त, रयान को नहलाना, माशाल्लाह अब ये हैवी हो गया ना, इसको नहलाते उठाते कमर ऐसे टूट जाती है। और मैंने अपने बालों को हेयर कलर किया था तो बिल्कुल ही ब्लैक हो गए हैं, अपने बालों में लगाई थी हिना डार्क ब्राउन कलर करने के लिए, तो सारे बाल ना बिल्कुल ही ब्लैक हो गए हैं, पता नहीं क्या नकली हिना थी, असली तो थी ही नहीं, ये देखो। ओके जी, तो मैं शॉवर ले आई हूँ और मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने ये शर्ट पहनी है, इस पर स्माइली सी बनी हुई है और रयान का कलर मम्मा को देख रहे हैं, मम्मा व्लॉगिंग कर रही है माजिद की अब तो माशाल्लाह ये हंसना भी शुरू हो गया है, बहुत हंसता है मेरा बेटा, बातें करता है, ऊ करता है। मेरे बेटे के बाल ड्राई हो गए हैं, इतने लंबे बाल है ना, खुश्क होने में टाइम लगता है ये इसके इतने मजे के फेसेस होते हैं, ये जो मजा होता है मम्मा को ऐसे कल कल की मीठा। और ये सामान जो हमने पैक किया है, इसमें कुछ खाने पीने का सामान है, रयान का बैग है, रयान के सोने का बिस्तर है, मेरा लैपटॉप का बैग है, और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये बच्चों की कैंडीज वगैरह रखी हैं, और ये मकरून का सेट, बच्चे इकट्ठे खाएंगे मिलके, और ये फुलझड़ियाँ न्यू ईयर नाइट के लिए। ये हमारी फ्रेंड की बेटी जो है ना अलीज़ा, वो ग्रेजुएट हुई है, तो उसके लिए गुडी बॉक्स बनाया, और उसमें ये हैंड क्रीम्स हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, चॉकलेट है, एक पाउच है और कुछ स्किन केयर का सामान है। ओके गाइस, तो हम लोग तैयार श्यार होकर निकल गए हैं और हम रस्ते में हैं, सी यू इंशाल्लाह व्हेन वी अराइव देयर। और रयान को तो गाड़ी में लेटते साथ ही नींद आ जाती है, पीछे उर्वा भी मैडम सो गई हैं, ये भी बहुत थकी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम अलीज़ा, लाइबा हेलो, कितनी एक्साइटेड हो रही थी। और उर्वा ने लाइबा के लिए ड्रा की है, दिखाओ क्या बना के आई है उर्वा, ये वाली साइड गिफ्ट चल रहे हैं मोर, ये आपके लिए पोकेमोन है, लाइबा के लिए उर्वा बना के लाई है एंड मोर कैंडी। ये अलीज़ा का बर्थडे गिफ्ट, ओह सॉरी ग्रेजुएशन गिफ्ट, वो देखो देखो, ओह नो, फिर आ रहा है। लाइबा और उर्वा बैठी ना डोसे खेल रही हैं, इनकी तो बहुत दोस्ती है ना, सेम एज की हैं, कैसे हंस रही हैं, ये दोस्त बैठे हैं आपस में गप्पे लगा रहे हैं। अलीज़ा रयान की देखभाल कर रही है और उसको दूध दे रही है, उसकी टोपी उतार देते हैं। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं हलीम के साथ नान बनाने की। अना यहाँ पे बन रहे हैं नान और हलीम साथ कबाब, तो अभी हम डिनर की तैयारी कर रहे हैं। ओके गाइस, तो ये हमारे नान जो है ना बन गए हैं, माशाल्लाह से अच्छे बन रहे हैं। तो ये हमारा डिनर, बिरयानी सना ने बनाई है, कबाब, और ये हमारी और हलीम अना ने बनाई है। चलो अब इंजॉय करते हैं अपना डिनर, अब भूख लग रही है बहुत ज्यादा। अलीज़ा आपने खाना खाना है तो आ जाओ। अलीज़ा जो है ना रयान को देख रही है और रयान मिस्टर को मजे आ रहे हैं, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, डोसे खेल रहे हैं बैठे जिमगट्टा खान का बच्चा भाई सारे वो भी हंस रहे, उसको मजे आ रहे हैं रयान जो है ना इंजॉय कर रहा है सबकी कंपनी, और हम जो है ना अपनी बिरयानी की कंपनी इंजॉय कर रहे हैं, बिरयानी इतनी मजे की है। अच्छा गाइस, हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था, चाय पी, केक वगैरह खाया, और जाहिर जो है ना मुझे छोड़ के चले गए हैं मेरी फ्रेंड के घर, और अभी उर्वा जो है ना अपनी फ्रेंड के साथ सो रही है, वो जो लाइबा छोटी सी उसके साथ सोने गई है, और रयान मेरे पास है। ये रयान मिस्टर सो रहा है, इसके ऊपर मैंने कपड़ा डाला हुआ है क्योंकि लाइट ऑन है, ये इसका दूध पड़ा हुआ है, इसके साथ मैंने वाइट नॉइस लगाई हुई है मशीन, तो
न्यू ईयर की सेलिब्रेशन जो है ना अभी रहती है, 31 दिसंबर है कल, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल, सी यू। आज 31 दिसंबर है और देखिए मेरा नाश्ता मेरे बेड पे आ रहा है। साल बेड से उठना बेड से इंशाल्लाह आगाज़ होगा। मेरी आंखें इसलिए पट्टी पट्टी हो रही है, मैं सारी रात नहीं सोई और उसके बाद ना अभी थोड़ी सी नैप ली थी, अब नाश्ता करूँगी बेड में। ओके गाइज, तो आज 31 दिसंबर है और हम लोग बच्चों को घुमाने फिराने के लिए लाए हैं एक जगह। अभी तो यहाँ सर्दी बर्फ़बारी हुई हुई है, मैं आपको पहले वो दिखाती हूँ। तो ये पार्किंग एरिया है और यहाँ पे बर्फ़बारी हुई हुई है, सनसेट का टाइम है, माशाल्लाह से बड़ा प्यारा लग रहा है। तो हम लोग सुबह उठे, नाश्ता वाश्ता किया, चाय शाय पी और तैयार वगैरह हुए और अब हम लोग आए हैं बच्चों को घुमाने फिराने के लिए। तो ये एक मेला सा होता है, लेट्स सी कैसा होता है। अच्छा गाइस, तो ये है इंडोर मेला, सारे झूले वूले लगते हैं जैसे पाकिस्तान में होता है ना, वो आउटडोर होता है, ये इंडोर होता है क्योंकि बाहर तो बर्फ़बारी है। स्विमिंग वाला एरिया भी है, स्लाइड्स हैं, बच्चों के खेलने के एरियाज हैं, प्ले एरिया है और पेरेंट्स बच्चों के साथ लेके ऐसे बैठे होते हैं, उनके साथ ना चीज़ें बना रहे हैं। ये है रयान साहब, ये तो घोड़े गद्दे बेच के सो रहे हैं रयान के तो घोड़े गद्दे थे भी नहीं, बेचना भी नहीं पड़े। तो मैं क्योंकि रयान के साथ हूँ तो मैं यहाँ बैठी बस इंजॉय कर रही हूँ और बच्चे जो है ना आपस में इंजॉय कर रहे हैं, राइड्स वगैरह ले रहे हैं। मैं अब रयान के साथ किसी जगह जा नहीं सकती, वैसे दिल तो मेरा भी बहुत गर्म है भी जाके झूले लूँ लेकिन ये कि जब रयान बड़ा हो जाएगा ना फिर मैं भी बहुत सारे झूले लूँगी रयान के साथ। अच्छा गाइज, अलीज़ा क्योंकि ग्रेजुएट हो गई है तो हम अलीज़ा की ग्रेजुएशन का डिनर करने आए हैं और कल न्यू ईयर है तो हम न्यू ईयर का डिनर भी करने आए हैं। माशाल्लाह इसको मुबारकबाद दे दें, इसकी माशाल्लाह ग्रेजुएशन हो गई है। और सना आप कैसा फील कर रही है? मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मैं बुरी बुरी फील कर रही हूं। माशाल्लाह बच्चे ग्रेजुएट हो गए हैं। चलो जी अंदर चल के देखते हैं। तो गाइज, इस रेस्टोरेंट का ना मजे की बात यह कि सारे जो ट्रीज है ना ये सब रियल है और इन्होंने अंदर ही अंदर सारा बैम्बू फॉरेस्ट बनाया हुआ है। ये कैफे भी है और रेस्टोरेंट भी है। तो पहले तो हम लोग ऊपर चल के खाना खाते हैं। अच्छा गाइज, ये सेकंड फ्लोर है और यहाँ पे सारे लोग वेट कर रहे हैं, इतना मशहूर रेस्टोरेंट है तो अच्छा खासा वेटिंग टाइम भी है। ऊपर से दिखाती हूँ व्यू सारा, ये देखें ये रियल ट्री है। ये बच्चे अपना क्रिसमस ट्री से खेल रहे हैं। तो यहाँ पे जनता इंतजार कर रही है खाना खाने का, लाइन चेक करो। जाहिद ने रयान को पकड़ा हुआ है, याना बैठी हुई है और बड़ी ही ज़बरदस्त डेकोर है इस रेस्टोरेंट की। ये देखो नीचे सारी लकड़ी वाली सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं और सारे ये रियल बैम्बू ट्रीज हैं। वहाँ पता नहीं आल्टे का दरख्त लगा हुआ है कि क्या, और अभी हमारा नंबर नहीं आया तो हम सिर्फ यहाँ की तस्वीरें और वीडियो ही बना रहे हैं। ओके गाइस, हमारी बारी आ गई है और ये हमारी सीट है। अच्छा गाइज, यहाँ पे मेन्यू ये है और यहाँ पे ना डिफरेंट पास्ता वगैरह हैं बैम्बू वाले, और पिज़्ज़ा हैं, स्टेक हैं, सैलड्स हैं, और ये शायद गप्पे शप्पे लगा रहे हैं और वह बेसब्री से इंतज़ार कर रही है और यहाँ पे भी सब मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं। और इसके अलावा ये बैम्बू स्पेशल सेट मेन्यू है और ख़ास बैम्बू के अंदर बनाते हैं, वो यहीं से बैम्बू एक तोड़ते हैं और उसके अंदर पकाना शुरू कर देते हैं। ओके जी, हमारा खाना आना स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले आई है कुछ ब्रेड्स एंड ये पता नहीं क्या चीज़ है। अच्छा जी, ये आ गया हमारा मशरूम पास्ता। ओके जी, ये आ गया चिकन स्टेक और बहुत ही मज़ेदार लग रहा है, और मशरूम पास्ता भी बहुत ही डिलीशियस है। यहाँ पे खाना खिला रहे हैं शाहिद उमर को। पूर्व को कैसा लगा पास्ता? अच्छा है, अच्छा है। ओके जी, हमारा मज़ेदार खुरकुन चूल्हा पिज़्ज़ा भी आ गया, डिलीशियस। अच्छा जी, ये इनका कैफे है नीचे और कॉफ़ी शॉप, इसमें आप कॉफ़ी पी सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एक बोटानिकल गार्डन है देखने के लिए, सारा बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। कॉफ़ी शॉप में कभी सुना था इस तरह के बैम्बूज होते हैं और ट्रीज होते हैं, इतना हरियाली होती है, बड़ा अच्छा मेंटेन किया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये जो है ना रियल ऑरेंज का ट्री है। ओके गाइस, आज है 1 जनवरी, रात को तो मुझे नींद आ गई थी 31 दिसंबर को, न्यू ईयर का हम लोग खाना खा के आए तो मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी थकावट से, और मैं भी सो गई, रयान भी सो गया। तो अब हम लोग काफ़ी देर से उठे सुबह और आराम से हम लोगों ने नाश्ता किया। शुक्र आज संडे था, 1 जनवरी, तो आराम से उठ के हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता किया, केक खाया, अलीज़ा ने केक बनाया था इतना मज़े का। और अभी जो है ना लंच कर रहे हैं मगरिब के टाइम, मैंने अभी नमाज़ पढ़ी है
और चल के हम लोग खाते हैं शवारमा, मजे का बना हुआ है। ये उर्वा और लाइबा हैप्पी न्यू ईयर कह दो, आप भी कह दो कट्ठे मिलके कहो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तो रायान की तरफ से भी सबको हैप्पी न्यू ईयर, अल्लाह ताला ये साल सबका खुशियों वाला हो, खैर खूबी वाला हो। हैप्पी न्यू ईयर कह दो रायान। शवारमा इंजॉय करते हैं, शवारमा ठंडा हो रहा है ना अलीजा। अलीजा ने इतना मजे का केक बनाया था रात को, वो मैं वीडियो में नहीं ला सकी क्योंकि इतना मजे का था कि हमें वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिला, हम पहले ही खा गए। अभी तो बहुत बातें कर सकते हैं अब।